बेगूसराय में आज उस समय अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया जब भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है। घटना नगर थाना क्षेत्र के नगर निगम चौक की है। अनुमान लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह आग लगी थी, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते बैंक के अंदर के कागजात व अन्य सामान जलकर राख हो गए। अभी तक नुकसान का अनुमान नहीं लगाया जा सका है। अब बैंक के पदाधिकारियों के आने के बाद ही पता चल सकेगा कि कितने की क्षति हुई है, लेकिन तस्वीरों में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि किस तरह ऊपर से आसमानी बारिश भी हो रही थी, लेकिन बैंक की मुख्य शाखा से धुआं ही धुआं उठ रहा था। सूचना पाकर दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची एवं स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है। 7:35 आग लगा, पीछे में मेरा घर है। हम खड़ा होकर के वहाँ देख रहे थे, पूरा वीडियो बना हूँ। आगे से धूप उठना शुरू हुआ है और धुआं उठ करके पूरा काले काले, फिर पीछे साइड से आगे बढ़े, फिर सब कुछ वहाँ देना शुरू कर दिया। और 8:09 पर पहुँच गया। पूरा धर लिया, बड़ी बहुत बढ़िया। अरे भर लो, ना ना, इस रूम में लगा है पूरा डॉक्यूमेंट, इसी रूम में। सब बर्बाद हो गया, लॉस हो गया, इंश्योरेंस होगा इसका। वो मोटर बन गया क्या?